आज हम आपको समुद्र में रहने वाले एक छोटे कछुए की कहानी दिखाते हुए बताएंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जो समंदर का किनारा होता है। वहीं हमें एक बूढ़े कछुए को दिखाया जाता है जिसका नाम है सैमी, और आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज वो दादा बनने वाला था। सैमी अपनी कहानी बताता है कि आज से 50 साल पहले उसका जन्म इसी बीच पर हुआ था जहाँ सिर्फ कछुए रहते थे। मादा कछुए एक गड्ढे बनाकर उसमें अंडे देती हैं। उनकी हिफाजत के लिए गड्ढे से सभी कछुए के बच्चे बाहर निकलकर समुद्र में जाने लगते हैं, और तभी अंडे से एक और बच्चा बाहर आता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता। तभी एक सीगल आकर उसे शिकार के लिए उठाकर ले जाता है। जैसे तैसे उससे वो खुद को छोड़ाकर नीचे आ गिरता है। फिर उसे सैली नाम की एक फीमेल टर्टल मिलती है। वो उसे पानी में चलने को कहती है लेकिन ऊपर से गिरने और थकान के बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो सभी पानी में चले जाते हैं और वो पूरी रात एक ही जगह पर रहता है। रात के समय में उसे लगता है कि सीगल फिर से उसका शिकार बनाने वाला है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और खुद को अकेला पाकर वो बहुत दुखी होता है। तभी एक समुद्र की लहर उस तक आती है और वो एक टूटे हुए लकड़ी के ऊपर होता है जिससे वो पानी के बहाव के साथ समुद्र की तरफ जाने लगता है। पानी के बहाव के साथ वो पूरी रात उसी टूटी हुई लकड़ी के साथ घूमता रहता है। अगली सुबह जब वो पानी में जाने की कोशिश करता है तभी वहाँ तीन बड़े कछुए आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है, तो उसे छोटा समझ के उनमें से दो कछुए सैमी को डराने लगते हैं। उसे बताते हैं कि महासागर के अंदर तुम्हें बहुत से जानवर मिलेंगे जो तुम्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। सैमी उनकी बात सुनकर डरने लगता है, लेकिन उन्हीं में से एक समझदार टर्टल उसे कहती है कि तुम्हें किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, तुम्हें जिंदगी में बिना डरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वो अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। सैमी उनकी बात मानकर समुद्र में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पर एक पिराना मछली हमला करने लगती है और वो घबराकर ऊपर चला जाता है और नीचे देखता है तो उसे अलग अलग बड़ी मछलियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए वो डरकर उसी लकड़ी के टुकड़े पर बैठा रहता है। वही हमें रे नाम की एक और कछुए को दिखाया जाता है जो वह भी सैमी की तरह अकेला होता है और बाकी कछुओं के साथ शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे साथ नहीं रखना चाहता और उसे सभी भगा देते हैं। और फिर वो सैमी से जा मिलता है। फिर बात के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही बीच पर जन्म लिए थे एक ही टाइम पर। यह जानकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं और साथ में रहने लगते हैं। और इस दौरान वो साथ में समंदर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें बहुत खूबसूरत चीजें देखने को मिलता है। उनका सारा दिन ऐसे ही बीतता है। धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। रे सैमी से कहता है अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें भी अपनी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए जिससे हमारे भी परिवार होंगे। रे सैमी से पूछता है कि तुम किसी को पसंद करते हो। सैमी सैली के बारे में बताता है जो बचपन में पहली और आखिरी बार मिली थी, जो उसकी मदद भी की थी। रे कहता है ये समंदर बहुत छोटा है, एक न एक दिन तुम दोनों एक दूसरे को मिल ही जाओगे। समय के साथ रे और सैमी की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है और सैमी अक्सर सैनी को याद किया करता था। रे उसका दिल बहलाने के लिए अपने दोस्त ऑक्टोपस के पास उसे ले जाता है जिसके ऊपर वो दोनों बैठकर राइडिंग करते हैं, लेकिन अचानक उस जगह कच्चा तेल फैलने लगता है जिससे कई जीवों को खतरा है। वो सब उससे बचने के लिए से दूर भागते हैं और जब वो ऊपर आकर देखते हैं कि तेल से भरा पूरा जहाज पलट गया था जिस कारण जहाज में मौजूद कच्चा तेल समंदर में जाने लगा था। रे और सैमी के साथ यह पहली घटना थी और इसी के साथ इन दोनों का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। एक बार जब वो अपनी टूटी फूटी लकड़ी के साथ घूम रहे थे, वजन ज्यादा होने की वजह से वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो समंदर में चले जाते हैं, लेकिन सैमी बहुत सारी मछलियों के साथ एक जाल में फंस जाता है और वह जाल के साथ ऊपर जाने लगता है। उसका दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो खुद भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। जाल से निकलने के बाद सैमी एक बाल्टी में चला जाता है और सैमी वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो सामान के बीच में फंस जाता है और सैमी वहां से हिल भी नहीं सकता था। काफी देर धूप में रहने से वो बेहोश हो जाता है जिससे फिशरमैन उसे मरा समझकर समंदर में फेंक देता है, लेकिन समंदर में जाने के बाद भी उसे होश नहीं आता। तभी एक डॉल्फिन आती है और उसे उठाने में उसकी मदद करती है जिससे पानी के बहाव के साथ वो समंदर के किनारे तक आ जाता है जहां रात में एक कपल की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे लेकर घर चले जाते हैं। जब सैमी की आंख खुलती है तो वो एक छोटी बच्ची, उसकी माँ और एक बिल्ली को देखता है। ये फैमिली सैमी को बहुत प्यार से रखती है और उस बिल्ली को बहुत जलन होती है क्योंकि सैमी के आ जाने से उसकी मालकिन सैमी पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। और बिल्ली उसे कहती है तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी वो उसको दावत बना सकते हैं। रात में वो औरत अपने बच्चों को कहानी सुनाती है जहां सभी इकट्ठा होते हैं। बिल्ली का नाम फ्लैपी है। फ्लैपी सैमी के पास आकर उससे पूछती है कि यहाँ से भागने का क्या प्लान बनाया, लेकिन सैमी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। फ्लैपी बात बात पर उसे बताती है कि वो भी ओशन से बचकर यहाँ पर आई थी। ओशन महासागर समंदर है। सैमी को पता चलता है कि और भी समंदर है। अगले दिन सैमी एक मादा कछुए से मिलता है जिसका नाम है वीरा। वीरा भी उससे यही कहती है कि हम कैदी की तरह कैद है, हम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें भी भागने का सोचना चाहिए। वीरा कहती है आजादी तो समंदर में है। अगले दिन अचानक वीरा को समंदर में छोड़ दिया जाता है। उन्हें लगता है कि सैमी और वीरा साथ में नहीं रह सकते, लेकिन फ्लैपी सैमी से झूठ बोलती है कि वीरा को इसलिए छोड़ा गया कि उसकी कोशिका खराब हो गई थी, इसलिए उसका टर्टल सूप नहीं बन पाता, और कहता है अब वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। उसी रात बीच पर पुलिस आती है और सभी को वहां से निकालने लगती है। फ्लैपी सैमी से कहती है यही मौका है तुम्हारे पास भागने का। सैमी उसकी बात मानकर छिप जाता है।
लेकिन सैमी अब बिल्कुल अकेला पड़ गया है और वहीं काफी दिन गुजारता है। फिर वो समंदर में चला जाता है और भूख के कारण लकड़ियों को ही खाने लगता है। तेज हवे से वो एक पन्नी में फंस जाता है और तभी वीरा आकर उसे बचा लेती है। सैमी उससे मिलकर बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद वीरा उसे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ बहुत सारे पत्ते होते हैं जो कछुए खाते हैं। सैमी उसे खा ही रहा होता है कि एक फीमेल टर्टल उससे लड़ती है क्योंकि उसके पीछे एक शार्क पड़ी थी। सैमी उसे बचाने में मदद करता है और वो दोनों एक छोटे होल में छिप जाते हैं, लेकिन शार्क अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी उस शार्क के सामने वीरा आ जाती है और शार्क को भगा देती है। फिर वीरा उन दोनों को वहीं छोड़कर चली जाती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और सैमी को पता चलता है ये सैली है जो बचपन में मिली थी। सैली भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों साथ में ही समय बिताने लगते हैं। सैमी सैनी से कहता है मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, सारे समंदर को देखना चाहता हूँ। फिर सैनी से कहता है क्या तुम भी इस सफर में मेरा साथ दोगी। सैनी उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसके साथ इस सफर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह घूमने का ही सफर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी साथ में बिताने का सफर होता है। सैमी उससे कहता है पहले हमें कोई सीक्रेट जगह की तलाश करनी होगी, और वह साथ में सीक्रेट प्लेस ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक सील मिलता है। वो दोनों उससे सीक्रेट प्लेस की जगह पूछते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं पता होता, पर वो उन्हें एक जहाज के बारे में बताता है जहां उन्हें इस बारे में कुछ सुराग मिल सकते थे। और वो उस जहाज को ढूंढने के लिए तैरते हुए कुछ बोट्स के पास पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो आगे के सफर पर निकल जाते हैं लेकिन इस बार वो जंगल में पहुंच गए थे जहां बहुत सारे खतरनाक जीव है और पिराना की एक झुंड उन्हें खेल लेती है। लेकिन उनके शिकार करने से पहले एक बड़ी चिड़िया सैनी को उठाकर घोंसले में ले आती है और वहां की ऊंचाई से सैमी को एक बड़ा जहाज नजर आता है, लेकिन उस पेड़ की थाई पानी में गिर जाती है जिससे सैमी सैली से फिर जा मिलता है और वो उस जहाज का पीछा करते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं, जिससे एक दुर्घटना से सैली सैमी से अलग हो जाती है और काफी कोशिश के बाद वो सैली से नहीं मिल पाता। सैली के गायब हो जाने के बाद सैमी बहुत उदास हो जाता है और तभी वहीं बूढ़े कछुए मिलते हैं जो सैमी को बताते हैं हमने एक फीमेल टर्टल को देखा जिसके शरीर पर शार्क के दांत के काटने का निशान होता है। सैमी समझ जाता है कि ये सैली की बात कर रहे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है कि सैली अभी भी जिंदा है। वो उसकी तलाश में समुद्र में कई दिनों से भटकता है लेकिन उसे सैली नहीं मिलती और वो एंटार्क्टिका में पहुंच जाता है जहां पानी कम बर्फ ज्यादा रहती है। ठंड ज्यादा लगने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। उसकी यह हालत देख पास से गुजर रहे इकोलॉजिक्स टीम की नजर उस पर पड़ती है और उसे सही करने के लिए वो अपनी लैब में ले जाते हैं और वहीं सौभाग्य से सैली मिल जाती है और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता और वो सैमी को रेस्क्यू सेंटर ले जाते हैं और किस्मत से वहीं स्लैपी नाम की वही बिल्ली मिल जाती है। वो स्लैपी से मदद मांगता है वहां से उसे निकाल सके और तभी वहीं वो औरत आ जाती है और सैमी को देखते ही पहचान जाती है और सैमी की जिज्ञासा देख समंदर में रिहा कर देती है। वहीं से जाते समय सैमी को दो कछुए मिलते हैं। वो सैमी से मदद मांगते हैं कि एक कछुए को एक कंटेनर से निकालने की। जब सैमी वहां पहुंचता है वो देखता है कि ये तो उसका दोस्त रे है। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो रे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। रे उस कंटेनर से बाहर निकल जाता है। फिर सैमी रे को अपनी पूरी कहानी बता देता है। सैमी को रे इतना चिंतित में देख अपने घर ले जाता है जहां वो रहा करता था। वहां रे सैमी को अपनी पत्नी रीटा से मिलवाता है और वही बात करने के दौरान सैमी सैली के बारे में बताता है। फिर रीटा उससे कहती है मैंने सैली को यही कुछ देर पहले देखा था। सैली वहीं रहने लगी थी और सैमी देखता है सैली किसी और कछुए के साथ होती है। ये देख उसे लगता है सैली ने अपना जीवन साथी चुन लिया है, इसलिए वो बिना मिले ही लौट आता है और उदास होकर रीटा और रे के पास आता है और उन्हें बताता है कि सैली ने अपना जीवन साथी किसी और को चुन लिया है। और तभी वहीं सैमी को बताया जाता है कि जिसको उसने सैली के साथ देखा था उसका नाम रोबी है जो किसी भी शी टर्टल से फ्लर्ट करने लगता है और सैली के भी साथ फ्लर्ट ही कर रहा था। थर्की है। ये बात जानकर सैमी बहुत खुश होता है कि सैली के दिल में उसी के लिए प्यार है। वो जल्दी से सैली से मिलने जाता है जहां एक शार्क उसके पीछे लगा होता है। सैमी शार्क से उसे फिर से बचा लेता है और फिर वो दोनों हमेशा के लिए जीवन साथी बन जाते हैं। और इसके बाद से कहानी वर्तमान में आ जाती है। अंडे से बच्चे बाहर आ चुके थे। सैमी और सैली उन्हें रोड क्रॉस करवाते हैं और वो दोनों दादा दादी बन चुके थे और फिर एक बच्चा उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता। ये देख सैमी को अपना बचपन याद आ जाता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें तो हम इसी तरह के और भी वीडियो आपके लिए लेकर आए और हमें कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो को सिर्फ बच्चे ही देखते हैं या फिर कुछ बड़े बच्चे भी देखते हैं।